हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मेरा नाम सतेंद्र। मैं आपको आज जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो केवाईसी हो रही है उसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। पहले इसकी 31 मार्च लास्ट डेट थी, अब इसकी लास्ट डेट 22 मई 2022 हो गई है। देखो, ये केवाईसी हमें क्यों करनी है इसके संबंध में आपको फुल डिटेल दे रहा हूँ मैं। देखो, इस केवाईसी के लिए आपको ऐसे मान लो कुछ किसान खत्म हो चुके हैं, मर गए हैं, उनको भी सरकार पैसा दे रही है। सरकार इसलिए उनको सरकार उनको वेरीफाई कुछ किसानों के जो लीगल नहीं है उनके भी खाते में रुपये जा रहा है, उसके संबंध में किसान सरकार ई केवाईसी करवा रही है किसानों की। अब आपको मैं बताता हूँ ई केवाईसी कैसे होगी किसानों की। देखो, दो तरीके हैं ई केवाईसी करने के। एक तो सीएससी से आप कर सकते हो, एक डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं डायरेक्ट वाला ऑप्शन बताता हूँ। डायरेक्ट वाला ऑप्शन, देखो, डायरेक्ट वाला ऑप्शन तो चला गया। तो डायरेक्ट ऑप्शन तो रहा नहीं है, अब सीएससी से लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, सीएससी लॉग इन करने के बाद आपको सीएससी लॉग इन जाना है। यहाँ पर सीएससी लॉग इन करने के बाद यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑफ, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे जाना है। फिर यहाँ पर आधार नंबर डालना है, आप जो किसान है बेनिफिशरी है उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर अभी डालते हैं हम 9 2। अब आपको आधार नंबर डालने के बाद अब आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपका ओटीपी आएगा। देखो, मैं एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ। अब गेट ओटीपी डालना है। अब ओटीपी जो किसान के जो रजिस्टर होगा आधार कार्ड में, एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि किसान का जो आधार कार्ड है उसमें आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो ई केवाईसी नहीं होगी, यह समझ लीजिए। ओके,